जाने माने उर्दू शायर जिगर मुरादाबादी ने कहा था, गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निभा किए जा रहा हूँ मैं। इस मशहूर शेर में छिपा है हमारे आज के मेहमान का नाम भी और उनका फलसफा भी। नेगेटिव, पॉजिटिव, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, हर तरह के किरदार बड़ी खूबी से निभाने वाले, गुलशन से फूल नहीं कांटों को भी चुनकर खूबसूरती से पेश करने वाले वेटरन एक्टर द बैडमैन गुलशन ग्रोवर। वेलकम वेलकम गुलशन टू जीना इसी का। वैसे जो आप कह रहे थे जीना इसी का नाम बात सही है, लेकिन बुराई है जो भी करते हैं पर्दे पे, इनकी जिंदगी और इनकी असलियत जब हम देखेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को कि ये बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है। अच्छा, इससे पहले हम आपकी फिल्मों की बातें कर रहे हैं, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक शख्स है जिन्हें आप बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब जी से जान से उठते बैठते से बुलाएं, प्लीज कॉल सन संजय। इतने प्यार से बुलाते हो संजय, कम इन। वेलकम संजय, वेलकम टू जीना इसी का नाम है। आप यहाँ आइए, नहीं नहीं डैड डैड की जगह पे खड़े होंगे। सो this is your bad man for the industry, yeah, but for you he's the good dad, the best dad, the best dad of course. Har jagah report day se lekar, you know, play pe, me sports day pe, basketball tournament mein, everywhere he's there. New year mein jo aap chote the tab se jaate saath mein daddy ke, new year se jab se I think from when I was born tab se lekar aaj tak har new year humne saath mein manaya hai. And wo ek temple hai juhu mein jahan hum hamesha jaate hain bombay mein, वहाँ हम हमेशा अपना न्यू ईयर मनाते हैं, हर 12 o'clock at night we are always there. This is daddy, mummy, friend, everything, teacher, guide, yeah, sab everything hai. Together. और अपने आप को भी ये कह रहे थे I am the bad man, दुनिया में बुराई, मैं रावण नहीं होता तो हीरो नहीं बनता, और अंदर से दिल देखो इनका opposite, opposite bad, there's nothing like bad in him I can find out, you know, he's like the perfect dad, perfect man, अरे वाह, perfect idol I can find. How did you feel इतनी मुश्किल से माँ बाप का प्यार एक बच्चे को देना और हर साल न्यू ईयर में भी साथ ले जाना, शूटिंग से दूर रखना फिर भी पढ़ा लिखाना, कैसे रहा आपका ये सफर, ये साइड ऑफ योर लाइफ? सी देखिए, मैं इसको कुछ ऐसा नहीं मानता कि ये कोई बहुत महान काम है, बहुत त्याग है, नथिंग लाइक दिस, इज जस्ट दिस दैट ही इज माई सन, लाइक एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. उसी तरह से चूँकि मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी थी, मैं अकेला था, अनफॉर्चुनेटली इनकी मदर के साथ में नहीं था. अच्छा, डू यू नो संजय व्हाट कि डैड आपके 97% मार्क्स लिए थे उन्होंने श्रीराम कॉलेज जाने से पहले, आप भी पढ़ते होगे? नहीं, हाँ ऑफ कोर्स पढ़ता हूँ, अभी भी मेरे को कहते रहते हैं 97% मार्क्स, ये क्या हो क्या. अरे कुछ महीनों पहले की बात है, फिर एस ए टीज आई रिमेम्बर, डैड बोलते हैं कि अगर तूने ठीक तरह नहीं पढ़ा, अच्छे मार्क्स नहीं लाया, मैं इतना मारूंगा नहीं, इतना मारूंगा तेरे को कि हिस्ट्री में किसी ने तेरे को इतना नहीं मारा होगा, इतना मारूंगा मैं तेरे को. 97% मिले थे एंड यू हैड एडमिशन, यू गॉट एडमिशन इन श्रीराम कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में मैंने ग्रेजुएशन किया था एंड डिस्टिंक्शन इन मेनी सब्जेक्ट्स बिफोर एंटरिंग द कॉलेज, डिस्टिंक्शन इवन इन योर ड्रामास प्लेज, और इन तुम्हारे डैडी जाके
लड़कियों के स्कूल में भी प्लेस करते थे मिरांडा हाउस। आगे बढ़ने से पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। गुलशन ग्रोवर से बातें हो रही है। हम सब समझते थे कि बैडमैन वाकई एंग्री और बैड है, लेकिन इनसे मिलकर पता चला है कि वाकई बहुत मोम है। और आपकी आपके लिए एक खत आया किसी का, वो आपको मैं पढ़ के सुनना चाहूँगा। और इसमें कुछ तस्वीरें हैं जो वहाँ पर हमारे पास है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तस्वीरें नहीं, फिलहाल मैं आपको ये पढ़ के दिखाऊँगा। It's better to have celebrated too much than to never have celebrated at all. Congrats, Gulu Singh. Celebrate because you're being celebrated. May all your dreams come true, especially the Julia Roberts one. May you reach the pinnacle of success. Jai Mata Di, Badi, always Moti drama queen. Guess who? This was the most adorable, admirable, and unforgettable of all people I've known. Wish I could be there to give you a big hug for being so wonderful, and a tight one for never having lived up to your screen image. There's such a beautiful letter you have, and it says that what you've done, Sanjay, back with you. Your decision to bring Sanjay back with you. And do not matter what it takes to be his father, mother, and best friend. You did your best to make him the best. And today Sanjay turns 18, right? Happy birthday. And this is the card sent for you specially. You know who it is, sir. Who? Rashi Shanti. Yeah. There is the, we have some photographs for you, which we'll show you there. Lijiye. Thank you. Card for you. Thank you, Kashish, my ex-wife. You want to say something to her? She's written such lovely words that you don't live up to your screen image and you're such a nice man. Well, thank you very much for saying this. नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई शादी का संबंध टूटता है तो लोग बहुत बिटर होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग शादी टूट जाने के बाद बिटर नहीं होते, एक दूसरे के बारे में अच्छा कहते हैं, जैसा कशिश ने कहा और जैसा मैं कह रहा हूँ। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन दैट आई नो। वी आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ एनी मोर एंड गुड फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली। थैंक यू कशिश। इस रिश्ते से हम कुछ और रिश्ते की बात करेंगे। आपके 5 बहनें हैं? जी हाँ। और एक बड़े भाई। अच्छा, तो इनके बारे में बात करने से पहले वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। भाई, आपको याद है जब हम छोटे थे तो आप हमें पढ़ाते थे और आप हमारा टीवी देखना बंद कर देते थे, और हम लोग भी पता क्या करते थे, एक एक सिस्टर गार्ड की तरह दरवाजे पे खड़े हो जाते थे और देखते थे कि आप सामने से आ तो नहीं रहे हो, और जैसे ही आप आते थे टीवी बंद, किताबें खोल देते थे। जब भी स्कूल में तेरे किसी बच्चे से झगड़ा हो जाता या कोई बच्चा तुझे मारता तो तू खुद कुछ भी नहीं कहता था, उसकी शिकायत लेके मेरे पास ही आता था और मैं ही जाके उसको समझाती थी। मैं बहुत छोटी थी जब आप बॉम्बे चले गए थे,
इसलिए मैं आपको बहुत याद करती थी क्योंकि आप बहुत प्यार देते थे मुझको. मैं आपको बहुत चिट्ठियाँ भी लिखती थी. आप भी मुझे बहुत प्यारी प्यारी चिट्ठियाँ लिखते थे. मैं छोटी थी इसलिए मुझे चिट्ठियाँ लिखनी आती ही नहीं थी, इसलिए जगह जगह से शेर वेर पढ़ के भी आपको लिखती थी. गुलशन, जय माता दी. मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है कि माँ आपको और भी बहुत ज़्यादा तरक्की बख्शे और आप जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले और आप जैसा भाई सब बहनों को मिले. We love you, mama. अच्छा गुलशन, आपको मालूम है जब आपके डैडी इतने से थे, आपसे भी बहुत छोटे थे, ये घर घर जाके साबुन वाबुन बेचते थे और कपड़े धो के दिखाते थे, फिर बोलते थे 1 बजे स्कूल जाना है तो इनके सब लोग खरीद लेते थे जल्दी से जल्दी स्टूडेंट. आपको मालूम है? हाँ, मेरे को दादी बोलती थी. क्या? कि डैडी बहुत हार्ड वर्किंग थे और यू नो शुरू से बचपन से हार्ड वर्किंग थे. मींस ऑफ कोर्स वी वर नॉट दैट वेल ऑफ बट स्टिल यू नो ही यूज्ड टू गो टू, वो जाते थे लोगों के घरों में एंड यूज्ड टू अपने पिताजी का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, अपने पिताजी की सहायता करने के लिए इतनी छोटी उम्र से. ही वाज डिटरमिंड सिंस देन एंड हिज लुकिंग एट हिज डिटरमिनेशन डिटरमाइंस मी आल्सो दैट आई शुड आल्सो डू समथिंग इन लाइफ यू नो. वेरी नाइस. एक और गुड एक्टर हमारे साथ हैं, वो कहते हैं कि गुलशन ग्रोवर के साथ जब भी मैं फाइट सीन्स करता था मुझे वो बहुत रियल पिटाई कर देता था, बहुत मैंने मार खाई यार उसकी. वो बोलता है कि मेरा नाम पहचानो. याद है कौन मार गया? बहुत बार मुक्के लग गए और कुछ बॉल वाला एक रस्सी लेके ऐसे थे, एक सीन में था आगे बॉल, उससे भी बहुत मारा. बुलाया उसे, आवाज दीजिए कौन है वो. अरे जैकी जगुदा. वेलकम टू जीना इसी का नाम है भाई, इधर आ जाओ. आज बातें ऐसी हो रही है लगता है कि जीना इसी का नाम है. क्या बात है, मैं तो भूल भी गया था यार वो जो. ये बार बार के भूल जाता है सबको. मैं भी अभी आने से भी घबरा रहा था. मैं बोला कहीं गले मिल तोड़ का ज्यादा नहीं दबा दे. बहुत सुना था कि अनिल कपूर मारता है जब इंडस्ट्री में आया, पर एंट्री किया अनिल, लेकिन ये सॉरी बोल देता है, वो नहीं बोलता. हां ये सॉरी बोलता है, सॉरी बोल के भी मारता है. बट आई हैवंट सीन एनी बेटर एक्टर देन हिम. आई हैव सीन हिम राइट फ्रॉम देन. हम लोगों की शुरुआत मेरा जवाब से हुई. दैट इज माई सेकेंड फिल्म आई थिंक. दूसरे पिक्चर से जो शुरू हुआ और आज तक अभी लास्ट पिक्चर जो हम लोगों ने साथ में मार खाया था. मार खाया मगर बहुत कुछ सीखा है. ही इज अ मैन हु इज टोटली डिसिप्लिन्ड, टोटली डेडिकेटेड. यार बड़ू इतना डेडिकेटेड और इतना डिसिप्लिन्ड. बाकी भी सुना था मगर ये असली है. और यही एक अपना दोस्त है जो सबको आस्ते आस्ते हॉलीवुड ले जाएगा. कोई जगह नहीं हॉलीवुड का. इनका कमाल का हिस्सा है. हाँ मालूम. एक वहाँ बैठे थे रेस्टोरेंट में ये, और एक आदमी इनसे कहते डायरेक्टर विल यू वर्क विद इन माय फिल्म. तो बाद में पता चला ये एक्टर है. वेल इट्स अ फैक्ट. मैंने आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हिज पिक्चर्स. आई थिंक काफी मैसेजेस भी आए होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हॉलीवुड में दोस्त इसका ही है. बाकी किसी एक्टर का नहीं है बॉम्बे में. ये तो मैंने देखा है ब्रो. तो ये बॉलीवुड को हॉलीवुड पे पहुंचा दिया. कोई शक ही नहीं इस बात को, दुनिया में पहुंचा देगा इंडिया सिनेमा को. और इंडियन गेटअप को गेटअप. थैंक यू सो मच यार. नहीं फैंटास्टिक मीटिंग यू. और बाकी इसकी बात और है कि मैं दूसरा ही मेरा पॉइंट था कि मैं अपने आप को बेस्ट बाप इन द वर्ल्ड समझता था. जब भी हम लोग शूटिंग करते थे तो मैं सुबह शूटिंग को जाता था और रात को वापस से घर आ जाता था बच्चों को चटकने. वो इसको मिलने के बाद में अपन अपने आप को दूसरा नंबर पे रखा है क्योंकि इतना प्यार इसको करता है ना. और कोई बाप नहीं देखा मैंने. वेलकम बैक. जगदादा से बातें हो रही हैं. बैटमैन की सुना है आपने, बहुत मारा था कई पिक्चर्स में. मतलब ये रियल मारा था या लग जाता था? नहीं नहीं, हर रोज एक डॉक्टर आता ही था. हर रोज का एक डॉक्टर वहाँ सेट के ऊपर रखा हुआ ही था हम लोग. क्योंकि सब इसी का आइडिया कि रियल करेंगे. ज्यादा सीरियस है ना लाइफ में. कभी कभी वो टिन का पूरा वो पूरा वॉल बना था, टिन के वॉल को तोड़ना. तो डुप्लीकेट्स काय के लिए? नहीं नहीं ये दोनों रियल. क्या बात कर रहे हो? राज भारत डायरेक्टर था फिल्म का. हाँ. मेरा जवाब. हाँ. एंड उसके अंदर दोनों हम लोग ये डिसाइड किया कि हम रियल दीवार तोड़ेंगे, रियल. हाँ. दरवाजा तोड़ेंगे, रियल टिन के अंदर दरवाजा. हाँ. तो रियल, फिर वो ब्रिक का वॉल लगा के रियल ब्रिक का वॉल.
माय गॉड, तो फिर हड्डी वड्डी भी टूटती होगी ना? हड्डी वड्डी नहीं टूटी, बच्चे वाला बाकी लगा बहुत, मगर वो जमाना, तो आज की बात कर रहा हूँ अभी। मेरी पत्नी एक पिक्चर बना रही है बूम, तो बच्चन साहब इज द मेन लीड, मुझे लिया गया सेकंड। फिर हम लोग ने सोचा कि वी नीड अ हीरो फॉर अ रोमांटिक एंड यू नो लिटिल स्टाइलिंग, बहुत स्टाइलाइज्ड रोल था। तो मैंने बोला एक नाम सजेस्ट करता हूँ, कैथरीना का हीरोइन थी, तो मैंने बोला गुलशन का नाम, बोला गुलशन, तो बोला ऑब्वियसली कोई हीरो से कम थोड़ी है ये, आजकल ये हीरो का काम कर रहा, मैं विलन का काम कर रहा हूँ। ते वो क्या कहती है देशीस? हाय गुलशन, दिस इज रियली रियली ऑकवर्ड टॉकिंग टू दिस कैमरा व्हेन यू आर एट द अदर एंड, बट आई वांटेड टू बी ऑन द शो बिकॉज़ इट वाज अबाउट यू। एवरीवन नोज दैट यू आर इन माय मूवी बूम, राइट? And that you're acting opposite the gorgeous Katrina Kaif. So let me tell them about the story about when we were shooting in Dubai. You were doing this really hot scene with Katrina, and you had to go back to India for a few days to shoot for Jism with Bipasha. You remember that? And I can never forget this story because you told all of us, you said, oh God, guys, what am I going to do? I'm supposed to be Bipasha's husband in the movie. I'm supposed to be gentle and tender when I make love to her. How the hell do I do that? I'm not used to being gentle and tender. You know, I've spent 20 years raping women on screen. What do I do? How do I do this? And I remember we all just like cracked up. That was so funny, so funny. But anyway, I know you're a sweet guy at heart. And I just want everyone to know that, you know. And we just love you to death, Gulshan. We really do. Thank you, Aisha. अच्छा ये जो serious हुए life में, बहुत मतलब हर काम को, बच्चे को भी बोलते हैं पढ़ाई के time में पढ़ाई, और इनकी बहनें भी बोलती थी टीवी बंद कर देते थे, ये सारा कुछ इस वजह से सीखा तुम? ये किताब में चश्मा तो नहीं लगा ना अभी? ये किताब बॉम्बे में जाने के बाद पढ़ी है कॉलेज के डेज की? ये मैंने कॉलेज के डेज में, कॉलेज के डेज की बात हो रही है, वहां देखिए क्या कहता है कॉलेज के डेज। गुलशन, कॉलेज का वो जमाना याद है जब तुम थिएटर के दीवाने हुआ करते थे, कॉलेज के हर प्ले में एक्टिंग करते थे, और खासतौर से जब लड़कियों के कॉलेज में कोई प्ले जाना होता था तो हीरो गुलशन होना चाहिए, इसके लिए बहुत लड़ाई होती थी। और एक बात बताना चाहता हूँ, आई नो यू आर गोइंग टू हेट मी फॉर दिस, लेकिन आईपी कॉलेज में कविता चौधरी थी, काफी दीवाने थे, इसलिए आईपी कॉलेज में जब प्ले जाता था तो हम सबको साथ ले जाते थे तालियां बजाने के लिए, और हम सब दोस्त थे तो चाहे एक्टिंग कैसी भी हो हमें ताली बजानी पड़ती थी गुलशन तुम्हारे लिए। वेरी वेल फॉर योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट। पंडित जी ये क्या बोल रहे हो आप? बेटा ये झूठ बोल रहा है पंडित जी। उसी दौरान की एक तस्वीर भी है कॉलेज की, तस्वीर देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये देखो, तुम्हारे डैडी पहले से एक्टर बनना चाहते थे। गुल्लू या सही है ब्रो। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एक हमारे साहब हैं बाहर, एक गेस्ट, नेक्स्ट गेस्ट है, बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले पूछ रहे हैं आपकी पहली कमाई उस दौरान कहाँ से हुई? एक्टिंग स्कूल में किसने दिया पहला चेक या पहला कैश? रोशन तनेजा साहब ने। रोशन तनेजा सर आइए। अरे सर, सर, अरे सर, I'm here for you. सर ये जब हम इंस्टीट्यूट में 1976 में हम लोग चले गए थे, आपके स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, दर्शकों को शायद ये नहीं मालूम, मेरे भी गुरु हैं ये। Of course. 76 में, 76. पहले बैच में थे ना? जी। ये अनिल कपूर और मजर एंड सुरेंद्र पाल, मदन जैन। तो आपको जब पहली जब आप इनसे मिले या इनसे बातें हुई, आपने इनका टेस्ट लिया जो भी है, तो तब आपको पता था कि इतना इसके अंदर पोटेंशियल है? तो टैलेंट तो था ही, मगर बाद में देखा इनको कि जो इनकी हार्ड वर्क, जो सब जानते हैं आज, मैं पहले जानता था। सही बात है, सक्सेस का फॉर्मूला इन्होंने पहले से देख लिया था जी। टैलेंट, हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस, पेशेंस, धैर्य, ये सब इन्होंने देख लिया था पहले। पता नहीं कैसे जल्दी इतना ग्रेस्प कर लिया था ये फॉर्मूला ऑफ सक्सेस।
जब पास हुआ तो तनया साहब ने मुझे अपने असिस्टेंट एक्टिंग इंस्ट्रक्टर एक्टिंग टीचर कई साल पढ़ा टीचर कैसा था अरे मैंने डिस्कवर किया कि ये भी है इनके अंदर तो मैंने कहा भी तुम आ जाओ मुझे असिस्ट करो और बखूबी किया दो साल के बाद इनको दत्त साहब की पिक्चर मिली थी लेकिन उस वक्त भी संजय दत्त की ट्रेनिंग की बात संजय दत्त के साथ में जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो ट्रेनिंग के दौरान सुनील दत्त साहब ने मुझे देखा उसमें मैंने था मैं तनया साहब का असिस्टेंट एंड एक्टिंग करके दिखाई जब दत्त साहब देखने के लिए आए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बाद में तनया साहब से कहा कि इस लड़के को मैं एक रोल दूंगा पिक्चर में एंड माय फर्स्ट ब्रेक फर्स्ट रोल केम फ्रॉम देयर एक और साहब है आपके स्टूडेंट से वो कुछ कहना चाहते हैं देखिए देखिए वाला इट्स बीन 25 इयर्स सिंस वी नो ईच अदर 1978 79 आई थिंक 77 78 व्हेन वी did a acting course with Taneja Saab and we've been close friends and you'll always remain a close friend. It's unnecessary that we have to meet every day to remain close friends. Everybody admires your hard work. Even I admire your hard work. It's some, there's something which I think everybody doesn't know, which I feel the world should know. And what I admire the most about you is the way you have brought up your child, Sanju. वेलकम बैक गुलशन ग्रोवर से बातें हो रही थी अभी अभी अनिल कपूर ने एक मैसेज दिया आपके बारे में आप उसका जवाब देना चाहते थे दीजिए अनिल आई लव यू वेरी मच अनिल इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग हिमसेल्फ His hard work inspires others. Very good. To work hard. When you see him so involved, giving his 100%, you know. तो अगला भी serious हो जाता है. हर आदमी उस set पे जितने लोग मौजूद हैं, वो serious हो जाते हैं, वो अपना 100% अपना best देना चाहते हैं. सही बात. I love you, Anil. Really, really, really. अभी अभी अनिल की बातें हो रही हैं. अनिल के पिताजी आपसे कुछ कहना चाहते हैं. Hello, Gulshan जी, क्या हाल है? आजकल मिलना जुलना ही बंद कर दिया है तुमने और मगर बड़ी खुशी है कि तुम आजकल काफ़ी मतलब अमेरिका में भी दो चार पिक्चरों में काम किया कर रहे हो यहाँ मुंबई में भी तुम्हें अच्छा काम कर रहे हो और ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है हालांकि तेरी कोई बैकग्राउंड फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी फिर भी तुमने अपनी मेहनत से और दोस्ती से ये काम सर अंजाम दे रहे हो और ये तेरी सिंसियरिटी है कि आज तक मेरा साहब की जो भी पिक्चरें बनी हैं उसमें तुमने काम किया है थैंक यू थैंक यू अच्छे और आपके चाहने वाले हैं एक और अंकल हैं जिन्होंने आपको पहली ब्रेक दी वो कुछ कहना चाहते हैं देखिए हेलो गुलशन पहचाना मुझे इस खादी कुर्ते में मैंने सोचा कि शायद तुम पहचान ना पाओ संजय की जब ट्रेनिंग हो रही थी तो तुम आया करते थे संजय को मिलने के लिए तो एक दिन संजय ने मुझे कहा कि पापा ये गुलशन जो है कॉमेडी बड़ी अच्छी करता है तो जब हम बना रहे थे रॉकी एंड यू वर देयर वेरी मच देयर और उसके बाद मैंने सोचा कि ये सिर्फ कॉमेडी नहीं करता मगर यू आर ए गुड एक्टर और मैंने सोचा कि आई मैंने तुम्हें सलाह दी कि तुम विलन का रोल किया करो तो उसके बाद लिए तुम्हें बॉडी बनानी थी तुमने बड़ी मेहनत की मेहनत करके तुमने जिम ज्वाइन किया एंड देन यू मेड ए प्लेस फॉर योर सेल्फ मुझे बड़ी खुशी है और मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारी वजह से मेरा इंटरव्यू हो रहा है सब आपका आशीर्वाद है दैट्स आवर ब्लेसिंग्स यू नो दैट आई स्टार्टेड विद रॉकी एंड मॉडल्स कह रहे हैं कि तेरी वजह से मैं भी सो नाइस ऑफ हिम तो चलिए काफ़ी इमोशनल बातें हो गई पुराने अपने सीनियर्स को हमने थैंक्स किया प्रोफेसर साहब से भी मुलाकात हुई आपकी वजह से मेरी एक सवाल है लेट्स शिफ्ट करता हूँ इमोशन को एक साहब पूछते हैं कि गुलशन से ये पूछो कि सबसे ज़्यादा कपड़े तूने किसके पहने दिल्ली का ही लड़का है मेरा क्लासमेट है अरे हाँ।
अरे बाप रे, आइए। अरे दादा, आज जैकेट छोड़ देना। तो यार जैकेट में लुकिंग सेक्सी, लुक गुड ऑन मी। नमस्कार, वेलकम टू जीना इसी के नाम। इधर थैंक यू सो मच। इधर आजी। I should thank you, yeah, for coming here all the way. अच्छा ये बताइए कि ये कपड़ों का क्या किस्सा है? ये तो आपके नहीं है ना? Actually. क्या सच बता? शुरुआती दिनों में क्या होता था? मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। मेरी एक दो एयर हॉस्टेस गर्लफ्रेंड थी जो मेरे लिए लेके आती थी। वो कपड़ा मेरे पहनने से पहले ये लेके चला जाता था। ये बड़ी एक टिपिकल शख्सियत है जिसका नाम है गुलशन ग्रोवर। इसके डेडिकेशन के किस्से तो आपने सुने अभी, लेकिन एक और डेडिकेशन का किस्सा बताता हूँ। इन्होंने एक ओल्ड फिएट खरीदी ग्रीन कलर की, और उसमें 5 लीटर पेट्रोल टैंक फुल के बराबर था। 5 लीटर वाज द मैक्सिमम। उसमें आती नहीं थी? नहीं नहीं, वो गाड़ी की कैपेसिटी दो 3 लीटर के बाद इनके जेब खाली हो जाती थी। तो ये कैलकुलेट कर लेता था कि भाई 1 लीटर में महबूब जाऊँगा, महबूब से वापस आ जाऊँगा, फिर फलाने प्रोड्यूसर के जो है वो अनदर लीटर हो जाएगा। तो इस तरह कैलकुलेट करके पेट्रोल रखता था। बियॉन्ड दैट ये किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करता था। एक दिन रात को मैं इनके घर के बिल्कुल सामने रहता था, मेरी तबीयत ख़राब थी और 2 मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिलने आई जिन पे ये लाइन मारते थे, मेरा बेटा बैठा क्या बकवास कर रहा है। बरसात की रात थी वो, दो एक ही रात में आ गए। हाँ, तो मुझे मिलने आई तो वो भीग रही थी, तो मैंने कहा कि गुलशन की गाड़ी लेके मैं उन्हें ड्रॉप कर दिया। तो मेरी गाड़ी उस दिन कहीं गई हुई थी, तो मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा यार मैं बुखार है इसको, इसने वो गाड़ी दी नहीं मुझे। क्योंकि इसने कैलकुलेट किया होता कि सुबह इसकी एक मीटिंग है, उसमें 1 लीटर ही बनती है पेट्रोल है, और वो पेट्रोल अगर इसने रात में खर्चा कर दिया तो मेरी मीटिंग नहीं होगी सुबह। और इसने दिया नहीं मुझे, और मैंने इससे 1 महीने बात नहीं की। सारे कपड़े ले लिया, मतलब हिसाब किताब से पेट्रोल उतना ही डालते थे और देख लेते थे, पैदल चलते थे डालने की। हिसाब किताब करने की जरूरत, पैसे ही उतने होते थे। 5 लीटर के बाद तो गाड़ी जो है वो खुद फेंकना शुरू कर देती थी, इतना पेट्रोल। वेलकम बैक। गुलशन ग्रोवर से एक साहब हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। उनका सवाल ये है कि गन्ना चूसते चूसते तुम किसका दिमाग का जूस चूस गया? दिमाग को ही चूस गया, उसका जूस बना डाला। कौन साहब हो सकते हैं ये साहब? तो वही हो सकते हैं जिन्होंने गन्ना चूस के डायलॉग मुझे दिया। कौन साहब, नाम क्या होगा उनका? वही साहब है। नहीं, आई शुड आस्क यू अ क्वेश्चन। उमेश मेहरा जी। उमेश मेहरा, प्लीज कम इन। ये तो इम्पॉसिबल, कोई और नहीं हो सकता। वेलकम वेलकम। थैंक यू सुरेश। फ्राई सुना था, लेकिन गन्ना चूसते चूसते ब्रेन चूस गया ये। मतलब सिर्फ मेरा नहीं, मेरे असिस्टेंट, मेरे राइटर, कोई बचा नहीं। क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो इट गोज थोड़ा आगे निकल गया। हाँ। तो बाकी कोई भी एक्टर आए, उसको स्क्रिप्ट ना मिले, उसको सीन सेट पे मिले, ठीक है। गुलशन पहले जाएगा, स्क्रिप्ट ले लेगा, चूज करेगा कौन सा रोल है, वहां पे मार्क कर देगा, एंड नोबडी एल्स कैन इवन हियर दैट रोल आफ्टर दैट। सो दैट्स हाउ ही हैज बीन, बट ही इज ऑलवेज डिलीवर्ड। द पॉइंट इज दैट आपकी एक जमाने में आपके सुबह सुबह 6 बजे एक बैठा हुआ था लड़का, मुच्छी दाढ़ी गम शम लेके, और आपका वेट कर रहा था कब उमेश नीचे आएंगे। ये उस जमाने में 3 या पता नहीं 6 शिफ्टें करता था। 6 शिफ्ट, सुपर बिजी एक्टर। तो हम लोग बना रहे थे एक फिल्म कॉल्ड कसम। अब उसका डिस्कशन होना है, कभी फ़ोन पे ही हो रहा है, कभी मुलाकात ही नहीं हो पा रही, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सुबह मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, रात को मिलते हैं, मिल ही नहीं पा रहे। तो कहने लगा अच्छा मैं सुबह आता हूँ, ठीक है मैं आपके घर आता हूँ, ये रहता है कुछ 1.25 घंटा मेरे घर से दूर। सुबह सुबह कौन आएगा, आ जा, कि मेरी 9 बजे की शूटिंग है, मैं आप कितने बजे उठते हो? 7 बजे मैं उठ जाता हूँ। तो ठीक है मैं 7 बजे आता हूँ, ठीक है। कोइंसिडेंटली मैं उस दिन 6:30 बजे उठ के, थोड़ा सा लॉन है बाहर, तो मैं खोल के बाहर बैठा तो एक बंदा बेंच पे बैठा हुआ, पूरा मेकअप का सामान, पूरे फोटोग्राफ्स, पूरे स्केचेस, एवरीथिंग रेडी। स्केचेस भी? स्केचेस, बाकायदा स्केचेस। द
That's the kind of dedication this man has had. So, और उसके सामने सिर्फ मेरा एक उसको होता है कि I have to give him, as he says, the best role. वो ले जाता है खुद ही. And the other thing is I have to give him a तकिया कलाम. हर पिक्चर में एक लाइन इसकी होनी ही चाहिए ऐसी जो चिपके. उमेश जी एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे. ये किस्सा मैंने एक उमेश जी के दोस्त हैं प्रोड्यूसर उनसे सुना. डायरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने मीटिंग चल रही थी तो कहा कि इस रोल के लिए वो नया लड़का ना गुलशन ग्रोवर उसको कांटेक्ट कर लो उसे लेंगे. तो उन्होंने कहा नहीं वो हमने फला विलन से बात की है एस्टैब्लिश सक्सेसफुल विलन. कहा नहीं नहीं वो अच्छा करेगा एंड आई नीड लॉट ऑफ टाइम एंड आई नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ डेडिकेटेड एक्टर. उन्होंने फिर कुछ कहा कि नहीं नहीं वो जो नाम वाले विलन हैं उनको लेते हैं फिजिकली ये वो. तो उमेश जी ने स्क्रिप्ट बंद की और बोला इफ यू डोंट हैव फेथ इन माय कास्टिंग व्हाट फेथ विल यू हैव इन माय मेकिंग. अरे गॉड वी हैव वन मोर डायरेक्टर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं. हाय गुलशन डोंट गेट सरप्राइज एंड डोंट गेट नर्वस. मैं इस वक्त तुम्हारे सामने एज ए फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुभाष घई बन के नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा सहपाठी बनकर आया हूँ. और मुझे सबसे अच्छी बात जो तुम्हारी लगती है कि तुम आज भी 20 साल काम करने के बाद भी स्टार नहीं हो, एक्टर हो और एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग हो. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सुभाष जी. मैं फिल्मों में विलन का रोल कर रहा था. सडनली मुझे एक फिल्म मिली राम लखन. सुभाष जी ने मुझे फिल्म में रोल करने के लिए बुलाया घर पर. कहने लगे कि कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी. मैंने बोला मुझे रोल सुना देना प्लीज़ उस वक्त. बोला हाँ पक्का. तो मैं सुभाष जी के घर गया. उन्होंने मुझे दो लाइन में रोल सुनाया कि हर कैरेक्टर को जब तुम मिलते हो तुम कहते हो बैड मैन I'm a bad man. उस फिल्म के बाद मेरा नाम गुलशन ग्रोवर से बदल के बैड मैन हो गया. अरे वाह what a lovely breakfast you had. That's great. एक और प्रोड्यूसर है आपकी वो कुछ कहना चाहती है. देखिए My earliest memory of you Gulshan is you in your little broken down white Fiat during the making of Earth dropping me to school every time I wanted a ride and from then to now it's been one hell of a journey. I think what amazes me about you the most, what comes to me first when I think about you is your enthusiasm that you feel like a little child. I don't know how you manage to get so enthusiastic about every role that you do. What I'd like to learn from you, what I'd like to imbibe from you is just that, is your enthusiasm, your ability to be able to approach every role, every film like it's the most important and give every shot your best. I think that if I had half your enthusiasm or probably even quarter of it, I would have scaled heights of my career that, you know, would have been amazing. So I think what I'm going to take from you is that I'm going to kind of be able to hopefully apply that to my life now. And I'm just glad that you went from being dad's friend to now being my friend. I've seen a side of you that most people haven't. And that is you're one of the best fathers I've ever seen. I think it's I was so moved when I saw you interacting with your son. And that combination of a great worker and a great father is really rare to come by. So more power to you. And yes, you're going to be in all my movies. Are you going to give me a choice? वेलकम बैक वेलकम बैक. शशि रंजन अभी कह रहे थे कि कौन से आर्काइव से वो पिक्चर ढूंढ के लाए. एनीवे आपकी जो अभी बात हो रही थी महेश भट्ट की बिटिया से आप कह रहे थे उनके वालिद का भी आपके पास वेरी ग्रेटफुल टू हिज फादर. भट्ट साहब की एक ख़ास चीज़ है कि वो मुझे मेरे सामने भी कहते हैं और मेरे पीछे भी कहते हैं कि गुलशन ग्रोवर नेवर ओवर. गुलशन ग्रोवर नेवर ओवर नेवर ओवर गुलशन ग्रोवर वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल एक्टर. उनके साथ जो मेरे संबंध हैं वो एक फिल्म मेकर के अलावा एक दोस्त के एक गुरु शिष्य के भी हैं. मेरी बहुत सारी हर आदमी की लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं. मैं मेरी कुछ कंफ्यूजन कुछ प्रॉब्लम कुछ परेशानियां होती हैं तो मैं उन्हें लेकर भट्ट साहब के पास में जाता हूँ. आई फील वेरी ओब्लाइज्ड फील वेरी प्राउड एंड
I'm absolutely, absolutely obligated to him. आपके एक साथी कलाकार एक आपसे मैसेज है उनका देखिए. Bad man. That's what Gulu's called actually on the screen, and that's what he calls himself. But according to me, Gulu is one of the finest human beings we have. A very, very dear friend of mine. And I guess because of you, there's so much we guys have also learned. Whenever I'm shooting with you on the sets, it's always kept me alert and so much in love with my work, because that's the way you are, and that's what you inspire the other your co-artists to be. एक एक्टर से बात का मैसेज सुना भी, अगला मैसेज देखिए. मेरे बड़े भाई गुलशन साहब, हाउ आर यू ब्रदर? देयर इज नो अदर वे टू स्पीक टू यू अदर देन टू टॉक लाइक दैट. यू प्लेड अ रोल कॉल्ड सलीम शूटिंग शर्टिंग इन माय मूवी मीडियम मियर, नॉट टू स्मॉल, नॉट बिग इनफ येट, बट इन माय आईज यू आर वे बिगर देन योर रोल माय फ्रेंड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ बूम, रियली अप्रिशिएटेड. इट्स बीन एन एनॉर्मस प्लेजर आपसे काम करने के, बहुत बहुत प्लेजर हुआ है. और इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर फिल्म में आपको तो लेना ही पड़ेगा अभी से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द यूनिफाइंग फोर्स, द ब्रदर दैट कीप्स ऑल द मैड पीपल टुगेदर एंड मेक्स इट वर्क. सो थैंक यू फॉर योर एनर्जी सर, थैंक यू फॉर योर पैशन, एंड थैंक यू मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड. कैजाद गुस्ताद बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, एक और डायरेक्टर हैं, नहीं एक प्रोड्यूसर हैं, क्या नाम है इनका जिन्होंने मैट्रिक्स बनाई थी, डैन क्रिकेलो, उनका मैसेज सुनते हैं. डैन क्रिकेलो, हाय गुलशन, हाउ यू डूइंग? इट्स बीन अ फैंटास्टिक टाइम एक्चुअली वर्किंग विद यू, बिकॉज़ नॉट ओनली आर यू अ टैलेंट, अ बैड मैन टैलेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर प्रीटी बैड मैन टैलेंट बिहाइंड द कैमरा, एंड आई थिंक आई एम गोना हैव अ ब्लास्ट वर्किंग विद यू. Our, my first plan is to do Samson's Allure with you, whether you know it or not, and maybe show the audience in India a different side of you, a little, maybe something different than what they'd expect. Dan! अच्छा लगा ये देख के इंग्लिश आपका ये रोल और सीन. सी, बट ये जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो जिस तरह आपको रोल मिला था. जंगल बुक फिल्म मुझे देखने से, जो कभी कभी होता है जैसे कि आपको कोई चीज़ इतनी आसानी से मिल जाती है, वो फिल्म मुझे जंगल बुक टू में रोल आसानी से मिल गया. इतना खुश मैं इंडिया आ गया वापस. सडनली एक दिन एक फैक्स आया कि वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू कि आप रोल नहीं कर रहे हैं. फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने इंसिस्ट किया कि आप एक अमेरिकन एक्टर को लो, उसे टैन करवाओ या टैन मेकअप करो, मेक हिम लुक लाइक एन इंडियन एंड शूट द फिल्म. And that is what they went to do. They went to Sri Lanka. Shooting शुरू की उन्होंने. एक दिन की शूटिंग के बाद डायरेक्टर बोला शाम को कि हम इस फिल्म को ख़राब कर रहे हैं. क्यों? बोलता है ये एक्टर जो कर रहा है इस रोल को, मशहूर है, नाम वाला है, स्टार है, लेकिन इस रोल में वो जो इंडियन लड़का था जो हमें लॉस एंजलिस में मिला था वही चाहिए. तो उन्होंने फ़ोन किया कि इस फिल्म में हम आपको लेना चाहते हैं अब दोबारा से, नाउ प्लीज़ डोंट use this situation. And aap hum chahte hain jitni jaldi aap Sri Lanka aa jaye aur 5 hafte ke liye aapko shooting karni hai, aur condition number 1 jaise aap aayenge aapka passport le liya jayega. Ye sunne wali baat hai, itni badnaam hai hum log. Ek do din ke kaam ke baad maine unse pucha ki passport mera aap kyun le rahe hain. Kehta dekhiye hamari bond company, hamari insurance company, hamare dusre associates, hamare distributor, hum sab log बॉलीवुड के बारे में जितना जानते हैं वो ये मैगजीन से जानते हैं और किस्से कहानियों से जानते हैं. और इसमें ये लिखा है कि बॉलीवुड के जो स्टार्स होते हैं बहुत अनरिलायबल होते हैं, बहुत टेंट्रम्स हैं उनके. किसी दिन भी रात को उठ के बोलेंगे कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं एक दिन इंडिया होके आता हूँ, या मुझे माँ के हाथ का खाना खाना है, या मेरा मूड नहीं है, या प्रीमियर पर जाना है. तो इसलिए हमसे ये कहा गया कि भाई ये पासपोर्ट इनका ले लीजिए, जब तक काम खत्म नहीं हो जाने नहीं दी. ऐसी बदनामी थी उन सब किस्सों और मैगजीन. थैंक्स टू यू, आपने ये सब बदनामी दूर कर दी ना हमारी. मैंने कोशिश की कर दिखाया ना, प्रूफ कर दिया ना. प्रूफ किया, जब मैं रोजाना अगर मुझे 6 बजे बुलाया गया तो मैं 5:45 बजे तैयार होकर वहाँ खड़ा रहता था. जो मुझे खुशी है कि उसका बेनिफिट आपने देश के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए इतना सब कुछ किया, उसके लिए हम क्लैप करते हैं. नहीं, बहुत अच्छा.
वेरी नाइस. व्हाट आई आपसे एक रिक्वेस्ट ये थी कि अभी जाने से पहले ये आपने एंट्री की थी बैडमैन की, कुछ लाइनें आप जाते जाते भी बोल दीजिए, फिर उसके बाद हम मुंह मीठा करते हैं, केक काटने का समय आ गया है. बैडमैन गन्ना चूस के कल्लू कल्लन कालिया, लोग देते हैं मुझको गालियां, माया पलट दूंगा तेरी काया, फंकूला बिच्छू का काटा मरता नहीं तड़पता है, चिंगा दो. और पंजाब में ऐसा होता है? और हमारे पंजाब में ऐसा नहीं होता. और डोंट फियर, सरदार इज हियर. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच गुलशनी, थैंक यू ऑल ऑफ यू कमिंग. लेट्स हैव अ केक फॉर गुलशन ग्रोवर, अ वंडरफुल इवनिंग. केक प्लीज. एक अरसे से हमारा मनोरंजन करने वाले गुलशन ग्रोवर से हमारी ये मुलाकात आपको दिलचस्प लगी होगी. हमें यकीन है आने वाले वर्षों में हम इन्हें यूं ही तरह तरह की भूमिकाओं में देखते रहेंगे. कुछ कर गुजरने की चाह रंग लाई, सितारों की दुनिया है आज हमसे झिलमिलाई. इन झिलमिलाते सितारों से आज हम मिले. इंतजार कीजिए एक और सितारे का, देखें कौन सी फलक से आता है वो हमें मिलने. इजाजत दीजिए, नमस्कार, मिलते हैं अगले हफ्ते. जीना इसी का नाम है मैं.